हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन लाया है। यहाँ पर दिया गया है 2x = 6√x-1। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, दोनों साइड x x में दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर में है और यहाँ का जो पावर है यहाँ पर रूट में है। तो इस हिसाब से जब रूट में रहेगा तो 1/2 में हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x = 6√(1)x-1, x-1। इसी तरह अब देखिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लिखेंगे log(2)√(log)6√(1)x-1। अब देखिए x इधर आएगा और ये भी पावर इधर आएगा, तो लिखेंगे x log(2)√(1)x-1 log(6). अब इसके बाद देखिए इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो हो जाएगा log(2)√(log)2। इसके आगे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x²-x=2। ये देखिए बेस में हो जाएगा log(6)√(2)। अब देखिए प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा x²-x − log(6)√(2)। यहाँ पर देखिए हमारा जो a है यहाँ पर 1 है, b हमारा है -1 और c हमारा है −log(6)√(2)। अब देखिए चूँकि इसका फैक्टर निकल नहीं पाएगा, इसीलिए हम फार्मूले से इसका वैल्यू निकालेंगे x का। तो लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, x = −b + √(b²−4ac) और √2a के। इन्हीं सब का वैल्यू हम उसमें रखेंगे। तो पहला है −b कितना है, b = दिया है -1, तो −b हो जाएगा +1। तो लिखेंगे 1 + √(−1)²−, अब देखिए 4ac है तो लिखेंगे 4 × a कितना है, 1 है हमारा, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई। c है हमारा −log(6)√(2) −log(6)√(2) और √2 है हमारा 1 = 1 +√(, ये हो जाएगा −−+ हो जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो +4log(6)√(2) और √2। अब देखिए इसके आगे 1 + √, यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर हम log लेंगे लेकिन √2 वाला, तो लिखेंगे log(2)√(2) प्लस, और 4 है, 4 इधर आएगा पावर में हो जाएगा, तो लिखेंगे log(6)√(4)√(2) और √2 कितना हो जाएगा, 2। अब इसके आगे 1 + √(√)में हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस में देखिए मल्टीप्लाई होता है, तो लिखेंगे log(2)√(6)√(4)√(2) और √2